हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नया ट्यूटोरियल लेके हम फिर से आ चुके हैं। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। एक नया ट्यूटोरियल हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, पार्ट नंबर वन है। ये एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप UPTU से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं साइबर सिक्योरिटी। और कहीं कहीं इसे नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम आज जो जानेंगे वो है कि क्या है साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो फोर मेन जो पिलर हैं, चार मेन जो पिलर हैं आपके साइबर सिक्योरिटी पे, जिन पे ये बेस्ड है साइबर सिक्योरिटी, हम उसके बारे में भी इसमें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो साइबर सिक्योरिटी होता है ये क्या है, बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि प्रोसेस एंड प्रैक्टिस डिजाइन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क एंड कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम अटैक, डैमेज या अनऑथराइज एक्सेस ऑफ सिस्टम। तो क्या कह रहा है कि जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी है ये तो टेक्नोलॉजी की एक बॉडी है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये आपका एक प्रोसेस है और प्रैक्टिस है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं कि हम नेटवर्क को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें ताकि जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम हो और जो डेटा हो वो अटैक से बचा रहे, डैमेज से बचा रहे, ताकि उसे कोई एक्सेस ना कर सके बिना आपकी इजाज़त से, बिना आपके ऑथेंटिकेशन, या जब तक आप उसे अलाउ ना करें तब तक वो आपके सिस्टम या फिर आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। आगे चले तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम में प्लस नेटवर्क ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम साइबर सिक्योरिटी ये आपका कहलाता है। साइबर सिक्योरिटी में इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं प्लस आपका नेटवर्क होता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसमें हम बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। देखो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्लस सिस्टम, मतलब कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या बनता है, आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनता है। बट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत बड़े साइज़ में एक सिस्टम होता है जिसमें कि लॉट ऑफ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कई सारी चीज़ में यूज़ किए जाते हैं। अब जरा सा इसका मैं यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा सिस्टम जिसमें कि सम डेटा विथ स्पेसिफिक मीनिंग, कुछ डेटा हो जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग हो, और ये सिस्टम इस तरीके से, इनके जो डिवाइसेस होते हैं उनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है ताकि वो इनपुट ले सकें और बाद में क्या कर सकें, उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर सकें, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हम इनपुट देंगे, वो इनपुट को प्रोसेस करेगा और एक मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करेगा, वही आपका क्या कहलाता है, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो सबसे मेन जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे यही पूछे जाते हैं कि वो कौन से ऐसे बेसिक पिलर हैं जिन पे आपकी साइबर सिक्योरिटी पूरी तरीके से बेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर पिलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ये हम देख सकते हैं हेडिंग। अब इसमें देखो यहाँ पर चार जो पिलर हैं उनमें से जो पहला है उसे बोलते हैं क्या, इंटीग्रिटी बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंशियली। तीसरा जो होता है उसे होता है रिलायबिलिटी, और इसी को हम कभी कभी अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ये चार बेसिक पिलर होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका इंटीग्रिटी होती है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो डेटा रिसीव होता है रिसीवर एंड पे वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी डेटा सेंड किया गया है वही डेटा हम रिसीव करेंगे विदाउट मॉडिफिकेशन। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो है आपका वह है कॉन्फिडेंशियली। देखो, कॉन्फिडेंशियली का मतलब है कि भैया सीक्रेट रहे, ठीक है, जिसको भेजना है बस उसी के पास रिकॉर्ड हमारा पहुँचे। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के टर्म में जो आपका पैकेट जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो स्पेसिफिक यूज़र के पास ही जाए जहाँ पर, ठीक है, स्पेसिफिक यूज़र, ऐसा नहीं कि सबके पास चली जाए या दो चार लोगों के पास चली जाए, तो यहाँ पर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा। तो आपको क्या रखना है कि जिस भी यूज़र को आप सेंड कर रहे हो उसी यूज़र को रिकॉर्ड मिले, स्पेसिफिक यूज़र को, जहाँ से आपकी जो प्राइवेसी हो वो मेंटेन हो रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपका मिलता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जो आपका, देखो, जो सिस्टम होगा वो अवेलेबल हो फॉर द यूज़र एंड रिलायबल हो इन नेचर, ठीक है। जब भी यूज़र को जरूरत पड़े सिस्टम उसका अवेलेबल हो और वो नेचर में भी क्या हो, रिलायबल हो, यूज़र उस पर क्या कर सके, भरोसा कर सके। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट होता है आपका ये होता है ऑथेंटिसिटी। देखो, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये हो गया कि बिना आपकी इजाज़त से कोई टास्क, कोई एक्शन, कुछ भी परफॉर्म ना हो, ठीक है। जब तक आप उसे ऑथराइज नहीं करोगे तब तक वो टास्क काम रन नहीं करेगा या फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ईच एंड एवरी प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम में आर ऑथेंटिकेटेड बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर वो यूजर द्वारा ऑथेंटिकेट किए जा रहे हैं, सिस्टम द्वारा ऑथेंटिकेट किए जा रहे हैं,
तभी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करें। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस रैंडमली वो प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि वायरस होते हैं, क्या होते हैं, ऑटो एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ क्या होना चाहिए, वो आपके ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। तो ये हैं चार बेसिक पिलर आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। तो इनको आप एक बार जरूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, इनको एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा, ये चारों पॉइंट आपको बहुत हेल्प करते हैं आगे। और पूरा जो नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर आप इंटरनेट सिक्योरिटी कर लीजिए, इन्हीं चारों पे बेस होता है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अनदर एपिसोड अनदर वीडियो में, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम कुछ और चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड बाय बाय।